आज तीसरा दिन है जब यमुना नदी 1978 के खतरे वाले निशान के रिकॉर्ड निशान के ऊपर चल रही है दिल्ली में, और लेकिन अब दिल्ली पे बाढ़ के अलावा कई सारे और संकट मंडरा रहे हैं। वो संकट है दिल्ली वालों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ। ठीक हमारे पीछे देखिए, ये पूरा जमुना बाजार का हनुमान मंदिर का इलाका है। यहाँ पे आपको पानी दिखेगा जो पिछले तीन दिनों में भरा है, और इसी पानी में छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं, खेल रहे हैं, कपड़े धोए जा रहे हैं। मैं हिमांशु को कहूंगा, वो आपको हमारे वीडियो सहयोगी आपको जूम करके दिखाएं कि किस तरह से इस पानी का इस्तेमाल नदी के तौर पे किया जा रहा है। उस पे कपड़े धोए जा रहे हैं, नहाया जा रहा है, और बच्चे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। और अक्सर ये होता है इस खेल कूद के दौरान कि वो पानी मुंह के अंदर जाता है। अब खतरा किस तरह का है, हमने अक्सर ये बात सुनी है कि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के बाद भी एक आपदा आती है, वो आपदा होती है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। लाल किले के आसपास एनडीआरएफ के कई सारे वॉलंटियर्स बता रहे हैं कि इस पानी में जो जानवर फंस गए थे, चाहे वो कुत्ते हों या गाय हों, उनके मरे होने की आशंका है, और वो डेड बॉडीज अभी भी पानी के अंदर पड़ी हुई हैं। यानी कि ये पानी अब कंटामिनेटेड हो चुका है, एक तरह से कहें तो जहरीला हो गया है। और इसके साथ साथ कई सारे और वाटर बॉर्न डिजीजेस जो होते हैं, बीमारियां होती हैं, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो, उसके साथ साथ डायरिया हो, इस तरह की बीमारियों का होने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। जहां भी पानी रुक रहा है, जहां भी पानी शिथिल हो रहा है दिल्ली में, वहां पे अब आपको दिखने लगेगा कि स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। यमुना बाजार के इस पानी में भी ड्रेन का पानी मिला हुआ है, नाली का पानी मिला हुआ है। यही वजह है कि यहाँ पे जबरदस्त दुर्गंध है इस पानी में। और इसके साथ साथ आपको और शिथिल पानी जहां मिलेगा, वहां पे अब कीड़े मकौड़े तैरते हुए आपको दिखाई देंगे। यानी कि किसी भी लिहाज से ये पानी आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। हम कई जगह दिल्ली में देख रहे हैं लगातार कि लोग इस पानी को वाटर स्पोर्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, पिकनिक स्पॉट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, नहाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, और कपड़े धोए जा रहे हैं। ये मौज मस्ती, इस पानी का इस्तेमाल दिल्ली वालों को बहुत ही महंगा पड़ सकता है।